नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर डेली करंट अफेयर की सीरीज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का दिन जो है दोस्तों आपका है 9 दिसंबर का और आज के इम्पॉर्टेंट सेशन में हम कई सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये भी है दोस्तों कि हमारे चैनल पर आपका मंथली वन लाइनर्स आएगा। इसके साथ साथ हम लोग मैराथन भी लाएंगे, साथ साथ हम लोग टॉप 100 MCQs भी लाएंगे, क्योंकि हम लोगों का माइंड सेट में ये चल रहा है कि अपकमिंग जो भी एग्जामिनेशन है, अगर मान के चले आपका बैंकिंग पेपर है या SSC पेपर है या मान लीजिए कि अगर आपका PSC लेवल पे पेपर है, तो हर जगह आपको करंट अफेयर काम आएगा। तो आप हमारे चैनल पे बने हुए रहें, जुड़े हुए रहें और मेरे साथ तो आपको बने हुए रहना है, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और आपके सक्सेस में एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा होगा, तो ये भगवान और ऊपर वाले के लिए बहुत मेहरबानी होगा हमारे लिए। तो आइए बढ़ते हैं आज के सेशन में। तो दोस्तों देखिए, अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि दुबई में जो COP28 का मीटिंग हुआ है, तो COP जैसे आप लोगों सभी को पता है कि क्लाइमेट चेंजेस के ऊपर मीटिंग होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिसको बोलते हैं, 28 यानी कि 28वां एडिशन जिसको कह सकते हैं। तो दुबई में जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंसनट्रेटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो इनॉग्रेट हुआ है दोस्तों, ठीक है, दुबई में। रिमेंबर, तो दुबई की अगर हम बात करेंगे तो भारत और UAE का जो रिलेशन है काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी सारा रिमिटेंसेस यानी कि जो बाहर देश से पैसा आता है, तो उसमें एक दुबई भी नाम है जहां पर भारत के कई सारे लोग दुबई में जाके काम करते हैं। तो आइए हम लोग पहले प्रोजेक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तौम जो VP हैं और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द UAE और रूलर ऑफ दुबई हैं, तो नॉर्मली ये जो प्रोजेक्ट इनका ही है और इसमें कई सारी और भी कंट्री का जो है योगदान है दोस्तों। अगर हम बात करेंगे इस प्रोजेक्ट कितने मेगावाट का है, तो 950 मेगावाट ये फेजेस का है। और इसके साथ साथ इसमें खर्च की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि अरब एमिरेट्स डॉलर, अरब AED अगर हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर आपका 15.78 बिलियन के आसपास है दोस्तों, ठीक है, नॉट डॉलर, ठीक है, डॉलर यहाँ मिस्टेक से मैंने बोल दिया आपको, ये रिमेंबर रखिएगा। इसके साथ साथ इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट्स का जो एरिया कवर है दोस्तों वो आपका 44 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, लगभग आप कह सकते हैं कि 70,000 हेलियो स्टैट्स ट्रैकिंग द सन्स मूवमेंट, ठीक है। और इसके साथ साथ इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में जो एलिमेंट का यूज किया गया है वो है आपका मॉल्टन सॉल्ट रिसीवर अटॉप द सोलर पावर टावर, इस क्रूशियल एलिमेंट जो कन्वर्ट करेगा सोलर रेडिएशन को थर्मल एनर्जी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। तो आपको ये जो एलिमेंट है इसको याद रखना होगा, मॉल्टन सॉल्ट रिसीवर जो सोलर पावर टावर के टॉप पे लगा हुआ है और ये जो है सोलर रेडिएशन को कन्वर्ट किसमें करेगा दोस्तों, तो ये आपका कन्वर्ट करेगा थर्मल एनर्जी में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि इस प्रोजेक्ट को कौन स्टार्ट किया, तो आपका आंसर हो जाएगा सिंपल, UAE। और आपको ये ज़रूर बताना है कि COP27 का जो मीटिंग हुआ था वो कहाँ पे हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से वंस अगेन COP28 UAE। तो यूनिसेफ का तो नाम बहुत बड़ा है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन एजुकेशन फंड इन कोलाबरेशन विद इंडिया टू लॉन्च ग्रीन राइजिंग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि रिसेंट्स में ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव ये लॉन्च जो हुआ, तो UAE ने किससे कोलाबरेट्स करके जो है लॉन्च किया, तो आपका आंसर हो जाएगा भारत के साथ, ठीक है, टू मोबिलाइज यूथ टू ड्राइव क्लाइमेट एक्शन। और आपको पता है कि आजकल एनवायरमेंट क्लाइमेट बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है, बहुत बड़ा इशू बन चुका है, तो इस पे कहीं ना कहीं हम लोगों को बेहतरीन लेवल पे काम करना होगा, अलग अलग कंट्री से कोलाबरेशंस करना होगा और हमारे देश का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको भी अच्छा करना होगा, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना होगा दोस्तों। तो इस वजह से हम लोग कई सारा प्रोग्राम भी चलाते हैं, भारत सरकार भी चलाती है, तो यहाँ पर E-Vehicles एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो आपको पता ही है दोस्तों। तो यहाँ से जो क्वेश्चन भी अगर बन सकता है कि रिसेंट्स में यूनिसेफ जनरेशन अनलिमिटेड जो कोलाबरेट की है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से, तो वो जो इनिशिएटिव उसका नाम क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रीन राइजिंग के नाम से है, ठीक है। अच्छा, इसी पार्टिकुलर इनिशिएटिव में एक इंपॉर्टेंट कैंपेन भी है जिसका नाम है युवा, यहाँ पर आप देख सकते हैं युवा कैंपेन इन इंडिया। इस पार्टिकुलर कैंपेन का जो मेन फोकस है दोस्तों वो है एंगेजिंग यूथ टू ड्राइव इम्पैक्टफुल एनवायरमेंट एक्शन, यानी कि जो यूथ हैं, जो जवान लोग हैं, उनको जो है एनवायरमेंट्स के रिगार्डिंग इस पार्टिकुलर कैंपेन में जोड़ना और इनका जो लाइफ स्टाइल का जो मूवमेंट है या लाइफ स्टाइल है टोटली उसको थोड़ा चेंज करके हमारे देश को आगे जो है उन्नति की तरफ बढ़ाना है दोस्तों। इसके साथ साथ इस पार्टिकुलर इनिशिएटिव का ग्रीन राइजिंग का जो मेन गोल है टू मोबिलाइज मिलियंस ऑफ यंग पीपल वर्ल्ड वाइड encouraging their active participation in green initiatives, addressing and adapting to the severe impacts of climate change on their communities, which is most important दोस्तों, जो आपको अच्छे से समझ के चलना है।
और यूनिसेफ तो आपको यूनाइटेड नेशन यूनिसेफ देन आपका यूनेस्को, देर आर मेनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस अंडर यूनाइटेड नेशन या ऑर्गन्स कह सकते हैं विच इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट अच्छे से रिमेंबर रखना है, COP28 दुबई आपको रिमेंबर रखना है, किसी न किसी पेपर्स पे आपको ये करंट अफेयर जरूर मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो रिसेंट्स में अभी जापान ने एक बिल पास किया है। जापान जैसे पता है कि कई सारी चीज़ों के लिए फेमस है और भारत और जापान का रिलेशन काफ़ी बेहतरीन भी है दोस्तों। तो जापान की अगर हम बात करेंगे तो जिसका कैपिटल टोक्यो है, इसके बाद पीएम राइट तो वहाँ के हैं फूमियो किशिदा, और करेंसी की अगर हम बात करें जापान का तो जापानीज येन है। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो येन नाम की करेंसी है जापान की, ये आपका इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स में हम कह सकते हैं कि ये करेंसी बास्केट्स के अंदर आता है दोस्तों, जिसमें टोटल 5 करेंसी। और IMF ऑर्गेनाइजेशन आपको पता ही है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी पार्टिकुलर कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करती है और उसको डेवलप करने में योगदान करती है दोस्तों। तो जापान ने रिसेंट्स में एक बिल जो है पास किया जिसमें ये लीगलाइज किया कि मेडिकल यूज ऑफ कैनबीज यानी कि गांजा का जो इस्तेमाल है वो मेडिकल यूज में होना चाहिए। तो रिसेंट्स में जापान ने ये बिल पास किया है, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना होगा बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि किस पार्टिकुलर कंट्री ने किया है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन भी है कि जापान हैज पास्ड ए बिल टू लीगलाइज द मेडिसिनल यूज ऑफ विच ड्रग, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कैनबीज, ठीक है, रिमेंबर। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो एक इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर हैं ऑस्ट्रेलिया में, जिन्हों को ऑनर्ड किया गया है ऑस्ट्रेलिया में माइक्रोबायोलॉजी अवार्ड से, ठीक है। तो एक तो है कि इनका नाम पूछा जा सकता है आपसे कि वो कौन शख्स है जिनको माइक्रोबायोलॉजी अवार्ड मिला है ऑस्ट्रेलिया से। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ये पूछा जा सकता है कि ये जो शख्स है इनको किस फील्ड में मिला है, तो आप देख सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी में मिला है। थर्ड इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर हैं जिनको ऑस्ट्रेलिया से ये अवार्ड मिला है। तो ये 3-4 टाइप का क्वेश्चन बन सकता है और काफ़ी बार पूछा भी जाता है। और हमारे वन लाइनर में आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि किस फील्ड में मिला है, तो आपका आंसर माइक्रोबायोलॉजी हो जाएगा। और भारत और ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन तो आप तो जानते ही हैं दोस्तों। तो इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर ऑस्ट्रेलिया हैज़ बीन अवार्डेड द 2023 डोरोथी जोन्स प्राइज विच इज़ मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से अब ये प्राइस से ये पूछा जा सकता है कि ये किस पे मिलता है, तो माइक्रोबायोलॉजी में मिलता है। हो सकता है इस पे कुछ ना कुछ अमाउंट भी होगा जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर के, तो इनका कई सारा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। ब्रजेश सिंह ए ग्लोबल एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायल फंक्शनल इकोलॉजी फ्रॉम दी हॉकिंस ब्यूरी इंस्टीट्यूट फॉर द एनवायरनमेंट इन वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। और इसके रिगार्डिंग आपको फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन, ये आपको अच्छे से थोड़ा सा याद रखना भी होगा दोस्तों, ठीक है। तो डोरोथी जोन्स अवार्ड विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें इस पर्टिकुलर शख्स को जो है मिला है। अभी रिसेंट्स में जूनियर महमूद के नाम से एक शख्स बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, जिनका नाम है नईम सैयद के नाम से, जो जूनियर महमूद के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों। तो रिसेंट्स में इनका जो है देहांत हो चुका है 67 के एज में। कई सारी जो बड़ी बड़ी मूवीज़ है जिसमें इन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, जिसमें से एक मूवी है मोहब्बत जिंदगी है जो 1966 में आया। हालांकि हम 1966 में पैदा तो नहीं हुए, लेकिन हम बाद में ये मूवी देखे थे जब हम पैदा हो गए। मोहब्बत जिंदगी है, तो वाकई में मोहब्बत जिंदगी है, तो जरूर आप इनका ये मूवी देखिएगा मोहब्बत जिंदगी है, क्योंकि मोहब्बत से बड़ा कुछ नहीं है दोस्तों। तो रिसेंट्स में अभी इनका जो देहांत हुआ जूनियर महमूद जी का, तो भगवान करे, ऊपर वाला करे कि इनको जो है स्वर्ग मिले और साथ साथ आने वाला जो भी परिस्थिति होगा ऊपर में वो सब चीज़ आसानी से जो इनका पूरा हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, और हाँ मोहब्बत जिंदगी जरूर देखिएगा, मोहब्बत तो करिएगा एक बार। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, करिएगा, कर लीजिएगा, लिवाइस के जो CEO हैं बर्क टू स्टेप डाउन, इन्होंने जो है इस पार्टिकुलर पद से स्टेप डाउन कर दिया है दोस्तों, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे इस पार्टिकुलर कंपनी का थोड़ा सा स्टैटिक पॉइंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाउंडर जो लॉन्च हुआ था, फाउंडेड कब हुआ था, तो 1 मई 1853, बापरे बाप 1853। अगर हम बात करेंगे GS में हिस्ट्री का, तो फिर आप चले जाइए कहाँ पे, 1853, 1857, रानी लक्ष्मीबाई, ये सब याद आने लगेगा। फाउंडर की अगर हम बात करेंगे तो लिवाई स्ट्रॉस, हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स, चेयरमैन कौन है, तो स्टेफन नील है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि रिसेंट्स में ये जो पार्टिकुलर शख्स हैं ये किस कंपनी के CEO हैं जिन्होंने स्टेप डाउन किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा चीफ बर्ग, ठीक है, और कंपनी का नाम आपको याद रखना होगा। इसके साथ साथ कई सारा और भी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, लिवाइस के तो नाम आप जानते ही हैं कि बहुत बड़ा ब्रांड है दोस्तों, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन।
रिसेंट्स में अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आपको पता है दोस्तों कि भारत का जो सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई है, और आरबीआई क्या होता है कि कई सारा पनिशमेंट और कई सारा गाइडलाइंस जो देता है छोटे छोटे बैंकों को, और बैंकर टू बैंकर इसको कहा भी जाता है। तो रिसेंट्स में अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपी बेस्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एक है जो सीतापुर उत्तर प्रदेश में है, उसके ऊपर जो है पेनल्टी लगाया है, और हो सकता है कि उसका जो लाइसेंस है उसको कैंसिल भी किया है दोस्तों, बिकॉज लगभग मान के चलिए कि 98.2% के आसपास मान के चलिए आप कि इस पार्टिकुलर बैंक का जो भी था कंप्लेंट था, या फिर मान लीजिए कि डिपॉजिटर जो भी थे, या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था नॉर्मली, ठीक है। तो कई सारे जो डिपॉजिटर्स थे इस पार्टिकुलर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में, तो उन्होंने लगभग 98.2% के आसपास जो डिपॉजिट्स है वो अपना सबमिट्स किया, और वो चाह रहे हैं कि वहाँ से फुल अमाउंट हमको मिल जाए। और आपको पता है दोस्तों कि जब भी भारत में कोई भी छोटी छोटी बैंक अगर डूबने के कगार पर रहती है तो आरबीआई वहाँ पर खड़ा रहता है, और कहीं ना कहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है, एक तो कस्टमर को ट्रस्ट दिलवाना और कहीं ना कहीं बैंकों को डूबने से बचाना भी। तो इसके रिगार्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक सब्सिडरी है जिसका नाम है आपका DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। पहले इसमें 1 लाख रुपये मिलता था अगर कोई बैंक डूब रही है, बैंक रन हो रही है। इस 1 लाख को बढ़ा करके राइट नाउ अभी जो है 5 लाख रुपये कर दिया गया है पर डिपॉजिटर दोस्तों, ठीक है। तो हमारा बैंकिंग का जो सीरीज़ है वो भी देखना ना भूलें, जिसमें हम बैंकिंग अवेयरनेस के एक एक टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ाएंगे, समझाएंगे और बताएंगे, जहाँ पर कई सारी चीज़ों को जो है बता करके एकदम क्लियर कट मामला कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देन आपका सीतापुर उत्तर प्रदेश, विद इमीडिएट इफेक्ट द डिसीजन कम्स एज ए रिस्पॉन्स टू सीवियर फाइनेंशियल इररेगुलरिटीज और नॉन कॉम्प्लायंस विद बैंकिंग रेगुलेशन, ये रिमेंबर रखना है। और इसके साथ साथ कई सारा जो इंपॉर्टेंट एक्ट है आरबीआई से रिगार्डिंग, जैसे आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है दोस्तों, आरबीआई एक्ट 1934 भी है दोस्तों, तो ये सब आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। और अगर आपसे क्वेश्चंस बनेगा तो देखिए वन लाइनर में क्वेश्चंस भी है आपके साथ साथ, तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइए कि देश में अगर मान लीजिए कोई कोऑपरेटिव बैंक है तो उसके रिगार्डिंग कौन सा इंपॉर्टेंट कानून है दोस्तों। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट का, तो रिसेंट्स में अभी जो रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, CRR होता है, SLR होता है, तो रिसेंट्स में अभी RBI का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये RBI के जो है गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, तो रेपो रेट केप्ट अनचेंज्ड एट 6.5% फिनेंशियल ईयर 24, और GDP जो एस्टिमेट किया गया है RBI की तरफ से दोस्तों वो है लगभग 7% हाइक होगा। तो ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली आता है। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है दोस्तों कि रिसेंट्स में अभी हमारा जो है एक बैंकिंग अवेयरनेस का, कई सारे बच्चे ने बोला कि सर आपका बैंकिंग अवेयरनेस का क्लासेस नहीं मिलता है, तो हमारे इसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे बैंकिंग अवेयरनेस का बिल्कुल सीक्वेंस में सीरीज आएगा, तो उसको देखना नहीं भूलें। अपकमिंग में जितना भी एग्जाम है बैंकिंग का वहाँ पर बहुत हेल्प करेगा, और उस पार्टिकुलर बैंकिंग अवेयरनेस से करंट अफेयर से कनेक्ट होगा जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन राइट नाउ आता है, और ये सीरीज जो है आज से ही शुरू होने वाला है दोस्तों, तो इस पर भी जरूर आप बने हुए रहें। चलिए, तो अभी रिसेंट्स में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग हुआ, और इसके साथ साथ अब देखिए जब हम RBI आपको पढ़ाएंगे इन डेप्थ में पढ़ाएंगे, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में आया, इसको उर्जित पटेल कमेटी बोलते हैं, कई सारी चीज़ों को पढ़ाएंगे, डोंट वरी, खतरनाक लेवल वाला, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट रिमेंबर रखना है कि फाइनेंशियल ईयर 24 में रेपो रेट कितना था, तो 6.5% यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ये याद रखना है आपको। इसके बाद हम बात करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है भारत का पहला इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बाय NL, यानी कि IAADB 2023, रिमेंबर। अगर हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन किस तरह आएगा कि भारत का पहला जो ये पार्टिकुलर जो चीज़ हुआ है इम्प्लीमेंट या ऑर्गेनाइज्ड हुआ है, ये किस शहर में हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा भारत का राजधानी न्यू दिल्ली में हुआ है, जहाँ के CM कौन है, तो अरविंद केजरीवाल जी हैं। इसके साथ साथ इस पार्टिकुलर प्रोग्राम में क्या होगा दोस्तों, तो भारत में आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन को प्रमोशंस दिया जाएगा, और पार्टिकुलर दोस्तों क्या है कि आत्मनिर्भर भारत, जो आपको पता है कि सेल्फ रिलायंस की जो हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर रेड फोर्ट एंड द स्टूडेंट बायनल समोन्ती और कई सारा एक्सपो यहाँ पर किया जाएगा दोस्तों, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना होगा। कई सारे बड़े बड़े डिज़ाइनर, आर्किटेक्चर, आर्ट, मतलब खतरनाक लेवल, फोटोग्राफर सारे लोग आएंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कि 4 जो यूनियन मिनिस्टर है गेट एडिशनल चार्जेस, यानी कि भारत में जो हमारा जो प्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी है और उसके जो 4 यूनियन मिनिस्टर हैं, तो उसमें से 4 यूनियन मिनिस्टर्स को जो है एडिशनल चार्जेस मिला है आफ्टर नरेंद्र तोमर 2 अदर यूनियन मिनिस्टर रिजाइन, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ एक्सेप्टेड रेजिग्नेशन ऑफ यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर
प्रहलाद सिंह पटेल एंड रेणुका सिंह सरूता आफ्टर दे वॉन इन रिसेंट असेंबली इलेक्शंस. एज पर राष्ट्रपति भवन कॉम्युनिक, अर्जुन मुंडा हैज बीन असाइंड द चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे एकदम डायरेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर राइट नो मिनिस्टर कौन है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? अर्जुन मुंडा. देन इसके बाद आपका नेक्स्ट, इन एडिशन टू हिज एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो दिस मिनिस्ट्री वॉज हेडेड बाई तोमार. ठीक है, शोभा करंदलाजे ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैज बीन गिवन चार्ज ऑफ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन एडिशन टू हर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो इन प्लेस ऑफ पटेल. नेक्स्ट वन, राजीव चंद्रशेखर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आईटी असाइंड द चार्ज ऑफ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इन एडिशन टू हिज एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, डॉक्टर भारती प्रवीण पवार मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैज बीन गिवन द चार्ज ऑफ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. ठीक है, तो ये कुछ मिनिस्ट्री का इंपॉर्टेंट है न्यूज जो काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से. और इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर हम 9 दिसंबर का जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको हम समाप्त करते हैं. बाकी मैंने जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया बैंकिंग अवेयरनेस को लेके उसको आप अच्छे से याद रखें हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे. और इसके साथ साथ हमारा जो है डेली करंट अफेयर सीरीज, मंथली वन लाइनर, मैराथन सीरीज और टॉप 100 एमसीक्यूज जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा. बस मेरा नाम और ये चैनल नहीं भूलना है आपको, आपके दिल में हम उतर के दिखाएंगे और आपका सक्सेस में थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे. बाकी मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर. जय हिंद दोस्तों, प्यार को फैलाते रहिए. थैंक यू सो मच.